रैंकिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर एग्जाम्स इन द कॉलेजेस कंपटीशन क्या कहता है कितने स्टूडेंट अपीयर करते हैं हर साल और कितनों का सिलेक्शन होता है एग्जाम पैटर्न क्या है डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है आई यू शुड प्रिपेयर फॉर एनालसैट और यू शुड ट्राई फॉर द एमएच लॉ सीईटी सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है आई इट्स वर्थ इट और नॉट एन ट आर द प्लेसमेंट स्टार्ट कहां आपको बेस्ट आरवाई मिलने वाली है और कहां आपको हाइएस्ट पैकेज मिलने वाला है गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज एंड प्रेस द बेल आइको सो बिफोर मूविंग फर दाइज वी हैव स्टार्टेड बचेस विद रिस्पेक्ट टू दॉ एंट्रेंस एग्जाम सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विथ अस यू कैन ज्वाइन अवर क्लास रूम स्टेशन एट घाटकोपर दादर एंड डोम्बेवली इवन यू कैन इंट्रैक्ट लाइव विद अस सो इफ यू है माइंड जस्ट कॉल ऑन एट थ्री एट थ्री एट वन एट 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 एंड गेट कंप्लीट हेल्प Get ultimate success at pa 2 You will get recorded lectures, test series, and mock tests. doubt class mentorship guidance and the motivation throughout the process and guys there will be separate batch with respect to the law entrance exams so let's start the video why you should target the top colleges guys whenever we are looking for one particular college hum hamesha us colleges ke bare mein kafi sare features jante हैं first of all ये India की top college है या नहीं इसका location क्या है क्या ये facilities हमें बेहतर provide कर सकता है इनका exposure कैसा है overall जो मुझे internship करनी है क्या वो वर्थ इट होगी फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट्स तो ऐसे पैरामीटर जिसको लेकर हम काफी सोचते हैं सो आईदर फीस कम होने वाली है प्लेसमेंट हाई होने वाली है या फिर सिर्फ फीस हाई है प्लेसमेंट का कुछ आता पता नहीं है विल टॉक इन डिटेल कौन से टॉप रिक्रूटर्स वहां विजिट करते हैं क्या लीगल फर्म्स वहां आते हैं या नहीं आते हैं हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है या बिजनेस लॉ में जाना है सो so, हम उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इवेंट्स कैसे होते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कैंपस फैसिलिटीज कैसी है एलुमना कॉन्टैक्ट क्या है फैकल्टीज कैसे है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है म्पिटिशन ओवरऑल क्या कहता है एंड इवन द बेस्ट वन द रैंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सो इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए गाइज हम बात करने वाले एनएलट वर्सेज एम एच लॉ सिटी कौन सा पर्टिकुलर लॉ इंटरेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉम्पिटिशन को लेकर सो एन एल सैट इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम अगर मैं कहूँ लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी लेवल है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए है लेकिन गाइज जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए है एन एल एस आई यू बेंगलुरु वन इट इज द मोस्ट प्र फर्स्ट इन द रैंकिंग लिस्ट ऑफ निर्फ यस गाइज अमेजिंग इंस्टीट्यूट है सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट और इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है अगर आपको लीगल फील्ड में एंटर होना है वही अगर मैं बात करूमए लॉ सी टी की देन यू कैन टारगेट द गवर्मेंट इंस्टीट्यूट सो इट विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड वन अमंग ऑल दॉलेजेस इंडिया जी एल सी मुंबई आप उसे टारगेट कर सकते हो दोनों के फर्स्ट लेवल पर कौन सी कॉलेजेस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गाइज गवर्नमेंट कॉलेज है फीस स्ट्रक्चर काफी कम होगी इवन ये एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट है लेकिन यहां फीस स्ट्रक्चर हाई होने वाली है प्लेसमेंट भी अमेजिंग होंगे लेकिन गाइज डोंट फॉरगेट जैसे आपके एम के लिए आई होते हैं उसी प्रकार अगर आपको एल करना है देन आप टारगेट कर सकते हो एन एल यूज लॉ यूनिवर्सिटीज हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में फाइव ईयर्स का प्रोग्राम है लेकिन ओनली वन इंस्टीट्यूट इज देयर दैट इज एन एल एस आई बैंगलोर जिन्होंने थ्री ईयर्स का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है थ्रू एन एल सैट ओके गाइड तो इसी के कंपेरिजन पर हम बात करेंगे कि एल एल बी जो एम एच लॉ सी टी के थ्रू कर सकते हो या फिर एल एल बी आपको एनएलट के थ्रू करना चाहिए सो एन एल सैट इट इज एंड यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम वही अगर बात करू एमएच लॉ सिटी दैन इट इज स्टेट लेवल एग्जाम सो यहां आपको काफी सारा एक्सपोजर मिल जाता है दैट मीनस काफी सारे कॉलेजेस आप यहां ट्राई कर सकते हो अगर मैं ओवरऑल सीट इनटेक की बात करूं देन एनएलट के थ्रू ओनली वन ट्वेंटी सीट्स आते हैं लेकिन एम एच लॉ सिटी को लेकर नाइनटीन थाउजेंड थ्री फोर्टी वन सीट्स आद है और आप टारगेट कर सकते हो 162 सिक्सटी टू कॉलेजेस सो गाइज ओवरऑल महाराष्ट्र के सारे सिटीज में कॉलेजेस है आप उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो यहाँ के लिए आपको काफी दूर जाना होगा और इन 120 ट्वेंटी सीट्स के लिए गाइज 3000 थाउजेंड प्लस एक्सपीरियंस ऑफ ईच ईयर हालांकि ये एग्जाम 2022 में ही लॉन्च हुआ है ठीक है सो प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में अभी भी डेटा नहीं है लेकिन गाइज यस yes, जो बी बी का प्रोग्राम है दैट इज फाइव इयर्स जिनका क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है उनके साथ ही इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है सो स्टैट्स तो बाद में आउट जरूर होंगे लेकिन एनएलएसआई का जो प्लेसमेंट स्टैट्स है और हा गाइज जब तक ये पास आउट होंगे तब तक स्टैट्स कुछ और ही होने वाले है दैट मीनस काफी अच्छे पढ़ने वाले सो so, अगर मैं बात करूमएं कर, प्लस एक्सपीरियंट्स रजिस्टर फॉर द एग्जाम और इसमें से सिक्सटी फोर टू सिक्सटी कैंडिडेट

जो रेस्ट एनएल है वो भी कंसिडर करें ताकि स्टूडेंट को एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए और जो स्टूडेंट्स कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री परसू कर रहे हैं चाहे वो बी हो या बीबीए हो उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू परसू दी फ्रॉम दल यूज सो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि काफी सारे सीट्स यहाँ बढ़ सकती है प्रीवियसली जब इन्होंने लॉन्च किया था तब इनके पास सिर्फ 60 सीट्स थी अब तो इन्होंने 120 कर दी है लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ सिटी को लेकर देन ऑल टॉप टायर सिटीज कवर्ड इन महाराष्ट्र यस yes महाराष्ट्र में आप नागपुर में देख सकते हो औरंगाबाद में देख सकते हो मुंबई पुणे नासिक जलगांव हर एक सिटी में आपको टॉप कॉलेजेस मिलने वाले हैं सो so, उनकी रिस्पेक्टिव सिटीज को आप टारगेट कर सकते हो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है सिटी आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है कि आप उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप कॉलेजेस को ढूंढ सकते हो उन्हें टारगेट कर सकते हो अब बात करते हैं गाइस पेपर पैटर्न को लेकर सो एनएल एल को लेकर गाइस जो पेपर होता है एक ही होता है लेकिन हालांकि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में कॉम्प्रिहेंशन करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस होते हैं यहां आपको 75 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं टोटल मार्क्स होगा आपका 75 उसके बाद पार्ट बी में लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन होता है जो शॉर्ट आंसर बेस क्वेश्चन जहां आपको 300 से 350 वर्ड्स में टाइप करना है सिक्स क्वेश्चंस होंगे पर क्वेश्चन 10 मार्क मिलेगा सो ओवरऑल हो गए 60 मार्क्स आफ्टर एनालिटिकल एबिलिटी एक पर्टिकुलर ऐसे आपको टाइप करना है नॉट मोर देन फाइव हंड्रेड और उसके ऊपर रहेंगे आपके फिफ्टीन मार्क्स का ये पेपर होने वाला है एग्जाम यूज हो जाती है अप्रैल मंथ में सो शॉर्ट आंसर बेस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन गाइज एमसीक्यू बेस पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग

अब बात करते हैं सेक्शंस को लेकर सो इंग्लिश 50 क्वेश्चंस लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 40 एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस सो so, 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम सो गाइस यहां आपको एटलीस्ट 75 परसेंटाइल लाना है टू बी इन द मेरिट लिस्ट चाहे वो आप पार्ट ए की बात करें या फिर पार्ट बी की बात करें अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपको 50 परसेंटाइल अप स्कोर लाना ही है यानी कि पार्ट ए में अगर आपका 75 फाइव आ गया तो आप पार्ट बी के लिए एलिजिबल हो और गाइज पार्ट ए से पार्ट बी में जाने के लिए वन रेस टू फाइव यानी कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट पार्ट बी के लिए जाने वाला है सो so, काफी अच्छी मेहनत आपको यहां करनी है वही अगर मैं बात करूं करूमए सिटी को लेकर सिंपल फंड आएगा रिस्पेक्टिव कॉलेज को ट्राई कर सकते हो सो so, मैं कहूंगा आपको आपको लाना है वन मार्क्स आउट ऑफ वन टू गेट एंटर इन टू दी एल आई एल एंड द टॉप कॉलेजेस इन योर रिस्पेक्टिव सिटी अब बात करते हैं फीस एंड प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर सो वू विल प्रोवाइड यू द बेस्ट आर जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की फी स्ट्रक्चर कम हो प्लेसमेंट स्टैट्स अमेजिंग हो वो प्रोवाइड करेगा आपको आर अब बात करते हैं एनएल सैट की जो फी स्ट्रक्चर है गाइस अब बढ़ चुकी है थ्री लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट वाइल एससी एस के लिए थ्री थाउजेंड सेवेंटी वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ओ Huge. जरूर हाई है फैसिलिटीज आपको मिलती है वही अगर मैं बात एमएच लॉ सीटी को लेकर लॉ कॉलेज औरंगाबाद जीएलसी के लिए फीस रहेगी सिक्स थाउजेंड रुपीज कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके फोर्टी थाउजेंड में भी रहेंगे टेन थाउजेंड में भी रहेंगे फिफ्टीन थाउजेंड भी रहेंगे मैक्सिमम सेवेंटी थाउजेंड तक फीस इसकी जा सकती है वही अगर एससी एस टी को लेकर बात करून अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो फोर ट्वेंटी रुपीज से आपकी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो सकती है और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख रहे हो जहां सिर्फ ओपन कैटेगरी के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है देन सेवेंटी थाउजेंड तक भी जा सकती है फी स्ट्रक्चर वेरी करती है लो फी स्ट्रक्चर को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है विद रिस्पेक्ट टू द एम एच लॉ सीट सो आप वो वीडियो देख सकते हो अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टार्ट को लेकर exactly क्या हमें रिटर्न मिल सकता है सो एल सैट को लेकर सिक्सटीन टू एटीन लैक पर एन तक का पैकेज चला जाता है एंड दट इज द एवरेज पैकेज हाइस्ट पैकेज की बात करू ट्वेंटी फाइव पर एन तक जाता है अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर वहां मिल गया हो तो काफी सारे टॉप लीगल फर्म्स जो है साइरल अमरचंदन मंगलदास वो आपको 20 लाख पर एनम तक का भी पैकेज प्रोवाइड कर देते हैं वही अगर मैं बात करूं एमएच लॉ सिटी को लेकर देन एवरेज 5 टू 7 लाख पर एनम तक मिल जाता है हाईएस्ट की बात करूं देन 10 टू 12 लाख पर एनम तक का पैकेज आप इजीली क्रैप कर सकते हो सो गाइज ओवरऑल कंपेरिजन मैंने आपके सामने रख दिया है नाउ इट्स योर चॉइस विच पर्टिकुलर इंटरेस्ट एग्जाम टू टारगेट आई विल सजेस्ट प्रिपेयर फॉर एमएच लॉ सीटी एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एनल क्योंकि एनएलट में सीट्स काफी कम है एक लेवल अप हमें प्रिपरेशन जरूर रखना है गाइज ताकि हम एम एस के साथ साथ दूसरे रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करें वो भी हम एग्जाम दें और यह एग्जाम देने से आपको एक्सपीरियंस भी आएगा और आप अपने रिस्पेक्टिव टॉप इंस्टीट्यूट को टारगेट भी कर सकते हो सो वन ऑफ प्रिपरेशन फॉर एन एल सैट और एम एस लॉ से रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम यू कैन जॉइन एस एट डोमु घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन एंड इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट वन एंड ट्रैक्ट लाइव विद अस कॉल ऑन एट थ्री एट थ्री एट वन एट 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 डोंट फॉर गेट टू डाउनलोड अर एप वेर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम यूट्यूब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर एयर करियर सी द नेक्स्ट वीडियो